सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूँ आप लोग के लिए स्पेशली। पहला तो गाइस अपना आईफोन्स हो गया, फिर सैमसंग हो गया, फिर गाइस अपना आईपैड्स और टैबलेट्स हो गया। तो मैं ये तीन चीज़ को कवर करने वाला हूँ स्पेशली वीडियो के अंदर, और इसका प्राइसेस बताने वाला हूँ आपको, आपको क्या क्या देखने मिल जाता है कितने में। तो गाइस वीडियो पूरा देखना, बिना वीडियो देखे गाइस आप कमेंट मत करना कुछ भी। तो आप वीडियो पूरा देख लो, आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको वैसा कमेंट्स नहीं करने मिलेगा। तो गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आईफोन 13 जो है वो 11 रुपये में मिल रहा था, बहुत लोग ने वीडियो बनाया था। तो गाइस देख लो प्राइस रिफ्रेश हो गया है एकदम, 49,900 रुपीज़ में आपको देखने मिल जाता है। आई होप शायद से वो बग था फ्लिपकार्ट का, पता नहीं, बट जो था। चलो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, मैं देख रहा हूँ लोगों का कि वो लोग बोल रहे हैं कि 999 रुपीज़ में मिल रहा है सैमसंग का फोन, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको साफ क्लियर लिखा हुआ है लॉक नाउ विद ₹999, मतलब आप ये डील को पहले से लॉक कर सकते हो अगर आपको कंफर्म है कि आपको लेना ही लेना है। तो ये एक और बात है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। मैं यहाँ पर आया हूँ सेल इज लाइव का जो पेज है फ्लिपकार्ट का, बिग बिलियन डेज का स्नीक पीक, मैं उसमें आ गया हूँ। और अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको अमेजन के अंदर आईफोन 13 फ्लैश 37,999 रुपीज़ में विद बैंक ऑफर देखने मिल जाता है। वो उसका मेन अट्रैक्शन है अमेजन का आईफोन 13, और फ्लिपकार्ट का इस बार आईफोन 15 है जो कि आपको गाइस पूरा स्लैश देखने मिल जाता है, 50K तो नीचे देखने मिलेगा। सो गाइस आपको यहाँ पर अनबिलीवेबल प्राइस में नथिंग फोन 2A देखने मिल जाता है 19,000 रुपीज़ का, जो कि उसका रियल प्राइस है 29,099 विद बैंक ऑफर। तो ये सब बैंक ऑफर के साथ है। आपको यहाँ गैलेक्सी S24 Plus फ्रॉम 64,999 देखने मिल जाता है आपको, जो कि 1 लाख के करीब मिलता है। स्टारमार्क है विद बैंक ऑफर है, ये सब आपको इस डील से देखने मिल जाता है सैमसंग में। तो अब एक और है सेल प्राइस रिवील्ड, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है मोटो के ऊपर भी, इसके ऊपर भी एक सेपरेट डील लाऊंगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तो अब चलते हैं हम लोग अमेजन की तरफ, तो लेट्स गो। सो यार मैंने मेरा अमेजन ऐप खोल लिया है और यहाँ पर आपको जैसे नीचे देखने मिल जाता है टॉप डील्स रिवील्ड एवरी डे। यहाँ पर आपको मैकबुक एयर M1 52,990 रुपीज़ से देखने मिल जाता है विद बैंक ऑफर। आपको यहाँ सोनी का प्ले स्टेशन, रियलमी, ये सब डील्स रिवील एवरी डे है। तो इसका तो हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है अपना आईफोन 13 जो मैंने बोला था 38,000 स्टार मार्क विद बैंक ऑफर अप्लाइड है और एक्सचेंज ऑफर नो कॉस्ट EMI ग्रेट डील्स, अब ये सब ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सैमसंग का ऑफर देखने मिल जाता है, टैब्स का ऑफर देखने मिल जाता है। हम चलते हैं हम लोग आईपैड 10th Gen 9th Gen के ऊपर, तो वो सबसे मेन टॉपिक होने वाला है अपना। टैब सेक्शन में आ गया हूँ, यहाँ पर आपको सैमसंग के और एप्पल के टैब भी देखने मिल जाते हैं ऑफर में। सो गाइस अभी प्राइस और घट गया है भाई यार, इन लोग ने वाईफाई प्लस 5G कनेक्टिविटी का टैब जो एप्पल आईपैड एयर है वो 55,000 फ्लैश कर दिया। यहाँ कोई स्टार मार्क नहीं है, ये फ्लैश सेल है और ये सब फ्लैश है। और यहाँ पर अगर मैं एप्पल में क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर ये सब ऑफर देखने मिल जाता है, आईपैड प्रो, आईपैड प्रो एयर, ये सब आपको नीचे प्राइस भी देखने मिल जाता है। अभी गाइस प्राइस और कम कर दिया इन्होंने, 31,000 कर दिया आईपैड 10th Gen का, और इन्होंने कर दिया आईपैड मिनी का 48,900 रुपीज़। यहाँ पर आपको ये सब अनअवेलेबल है, ये सब सब सेल में आने वाला है इसलिए अब यहाँ पर अनअवेलेबल कर दिया।